नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कांवट बंद करके धरना प्रदर्शन, वजह क्या है पहले वे जानिए, फिर यह हमला क्यों हुआ इसकी वजह भी हम आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। कांवट में बुधवार की रात लगभग 9 बजे टेम्पर गाड़ी व मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए लगभग 30 से 40 बदमाशों ने फुटवेयर व्यापारी पर हमला बोल दिया। मिली जानकारी के अनुसार कांवट में फुटवेयर व्यापारी हेमंत सैनी बुधवार की रात लगभग 9 बजे अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तब अचानक कैंपर गाड़ी व मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए लगभग 30 से 40 बदमाश दुकान पर पहुंचते हैं और व्यापारी हेमंत सैनी से झगड़ा शुरू कर देते हैं। इतने अनजान लोगों को देखकर आसपास के व्यापारी हेमंत की दुकान पर पहुंच जाते हैं। आसपास के व्यापारियों की बढ़ती संख्या को देखकर बदमाश वहां से भाग जाते हैं। व्यापारी हेमंत सैनी को शक होता है कि कहीं ये बदमाश उसके घर पर हमला ना बोल दे। इसी शक को लेकर हेमंत अपने व्यापारी साथियों को लेकर अपने घर पर जाता है तो वहां पर बदमाश घर पर हमला करते रहते हैं। हेमंत का शक सही था, बदमाशों ने हेमंत के परिजनों के साथ मारपीट की। हेमंत और व्यापारी साथी व आसपास के लोगों ने बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाश भीड़ से बचकर भाग निकले। लोगों ने दो बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया और तीन मोटरसाइकिलों को भी पकड़ लिया। उसके बाद आज गुरुवार को कांवट बाजार को बंद रखकर व्यापारियों ने सुबह से ही धरना प्रदर्शन शुरू किया। व्यापारियों व लोगों का कहना है कि कांवट में इस तरह की यह पहली घटना है जिससे व्यापारियों व लोगों में भय बना हुआ है। धरना प्रदर्शन में क्या हुआ पहले एक बार वह देखिए। दामोदर जी बरसरा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी मौजूद है, मैं उनका स्वागत करता हूँ 2200 रुपयों से। कल की ये जो घटना घटित हुई ये भाई हेमंत के साथ ना होके इस क्षेत्र के हर एक युवा के साथ ही ये घटना घटित हुई है और ये उसके साथ नहीं होके मैं पर्सनल रूप से मान लीजिए वो मेरे काफी क्लोज भी है और हमारी टीम का एक अहम हिस्सा भी है, ये हमारी टीम पर भी प्रहार है और इस गांव की हर एक युवा शक्ति पर प्रहार है। तो मैं पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आरोपियों की कोई जात नहीं होती। इस गांव का हर युवा आज इस घटना के बाद रात से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आज तक इस गांव में इतनी बड़ी घटना मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी, लेकिन कल जो ये घटना घटित हुई है एक छोटे से मामले को एक गैंगवार के रूप में बनाकर घर पर जाकर उन पर प्राणघातक हमला करना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं पुलिस प्रशासन से चाहूंगा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि इस गांव में प्रेम और सौहार्द का भावना बनी रहे। भारत माता की जय। उस युवा भाई के व्यवहार में किसी को 1% भी कभी कोई कमी नजर आई हो, किसी से दुर्भावना से कोई व्यवहार किया हो, किसी को गाली निकाली हो, किसी से लेन देन में कहीं गलती रखी हो, तो मुझे बताओ कि उस व्यापार भाई की अगर गलती हो कोई भी, और फिर भी अगर किसी सज्जन युवा के साथ में समाज सामाजिक काम में हमेशा आगे रहने वाले युवा के साथ में जिसको राजनीति से मतलब नहीं है, अपने दो वक्त की रोटी कमाए खाता है साहब, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, अगर ऐसे सज्जन युवा के साथ में भी ऐसी वारदात होती है तो ये बड़ी निंदनीय है और ये मंथन का विषय है। ये बड़ा मंथन का विषय है कि हम लोग आज गांव जनता इकट्ठी हुई, बहुत अच्छा लगा कि ये व्यापारी भाई को ये महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है, इस संकट की घड़ी में अकेला नहीं है। इसके लिए तो मैं इस गांव जनता का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि हम लोग ये बातें सुन के पड़े हुए हैं कि घर के दूसरे कमरे में आग लगी हो तो हम लोग चैन से नहीं सो सकते। जो आज पड़ोस के कमरे में आग लगी हो कल को मेरे कमरे में भी आएगी, आज उसके साथ हुआ है कल को मेरे साथ भी होगा। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी हिम्मत हो जाती है इन लफंगों की कि वो घर तक जाके घर की बहन बेटियों के सामने जाके घर की बहन बेटियों से दुर्व्यवहार करते हुए उसे व्यापारी भाई के पिता के साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, व्यापारी के साथ मारपीट करते हैं। तो ये बात ध्यान रख ले, प्रशासन सुन ले कि हम लोगों ने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई है। रात को हमें पता नहीं था, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से जानकारी सुबह मिली है कि ऐसी भी कोई बात हुई है, लेकिन हम लोग भाई हेमंत के साथ
वैसे ही खड़े हैं जैसे उसका सगा भाई खड़ा रहता है। मैं तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हमें एक वाजिब सत्ता के माध्यम से जो सक्षम अधिकारी है उसके माध्यम से हमें आश्वासन ही नहीं वाजिब कार्रवाई नहीं मिल जाती तब तक हम लोग यहां से दरी नहीं छोड़े, तब तक हम लोग प्रयास करें। और अगर घंटे दो घंटे का ही केवल नाम मात्र के लिए इकट्ठा होना है तब तो भाई अभी इसको जो है ना डिस्पोज कर देना। मैं तो श्री सिद्धि बात जानता हूं, दरी बिछाओ तो इतनी मत रखना कि यहां बैठे रहो, नहीं अभी उठा देना। मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूं, आपको बुरा लगे कड़वा लगे मेरे शब्द मेरे को आप भी दे देना। हाँ मैं ये वादा करता हूं कि जब तक आप लोग बैठे हो मैं यहां से लूंगा भी नहीं। हम केवल हमारे छोटे भाइयों की सिक्योरिटी मांगते हैं। आज अगर एक व्यापारी के साथ जैसे हुआ है, कल को किसी राह चलती बच्ची के साथ कोई वारदात इन लफंगों ने कर ली तो हम लोग कहां जाएंगे? असुरक्षा के माहौल में कब तक रहेंगे? पहले थोड़ी थाना हमारे नजदीक था, आज हम 20 किलोमीटर दूर जाते हैं। बाकी राजनीतिक मांगे अपनी जगह पे हैं, मैं उन बातों को यहां पे नहीं लेके जाना चाहूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इनकेन प्रकरण किसी आप सभी को मेरा नमस्कार। देखो पहले तो हम दो दिन से वीआईपी विजिट में बिजी थे, मैं भी रात को आया था, बुखार चढ़ रही थी, मैं सो गया था साइलेंट कर फोन को। और मेरे को रात को सही बताऊं तो क्योंकि बुखार थी मैं साइलेंट था, फोन में उठा नहीं पाया, मेरे पास किसी का फोन भी नहीं आया। एमएलए साहब का आया हुआ था लेकिन मैंने सुबह फोन किया तो उनका फोन बंद आ रहा था, किस लिए आया था मैं पूछ नहीं पाया। और रही बात घटना की, हम तो खुद कोशिश करते हैं, आप में से कोई अगर सीएसडी की कल परसों मीटिंग दी थी मैंने थाने पे, अगर आप में से दो चार लोग थे मौजूद आप बोल लेना। मैंने उनको क्या बोला, मैंने कैफे और होटलों के लिए स्पेशली बोल दिया था चाहे किसी की भी हो, और सीधे सीधे ये बोला था कि 9 बजे से 12 बजे तक जो नाबालिग बच्चे और बच्चे जाते हैं ना वो घटना का मुख्य कारण होते हैं, मैंने साफ बोला था। तो मेरी तरफ से तो इस चीज में कतई कोताही नहीं रहेगी, और मैंने आप मेरे सामने पूछ सकते हैं चौकी वालों को स्पष्ट कह दिया कि कोई भी अवैध कैफे या कोई भी अवैध चीज इस एरिए में नहीं चलेगी। सीधा सीधा डायरेक्शन है, मैं रहूं या नहीं रहूं मेरे को ना तो रहने का शौक है इतना, मैं मेरा काम मेरी तरीके से करता हूं। और ये सोचो अपराधी क्या वो सारी जिंदगी भूल जाएंगे मेरे हाथ में, मैं सही बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं, मैं कहने में विश्वास नहीं करता, मैं करने में विश्वास करता हूं। पहली बात, मेरा इतिहास अलग ही है, मैं इन चीजों में कभी ना तो किसी के दाद दोष में नहीं आता, मैं काम करता हूं प्रैक्टिकल काम करता हूं। ठीक है मानता हूं घटना हुई है रात को, हम उसको डिनाइन नहीं कर रहे, लेकिन आप हमें मौका देंगे तभी तो काम करेंगे ना हम लोग। भाई आप ये सोचो कि अब जैसे हमें पता चला, जैसे सारी चीजें आप लोगों ने बताई मैंने सुनी भी, तो हम उनको पकड़ेंगे तभी तो अपने साथ कोई चीज आगे बढ़ेगी ना, आप मौका तो देंगे ना हमें? अब आप मौका ही नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे ये बता दो आप लोग। आपकी सुरक्षा के लिए देखो आप इनको चौकी वालों को पूछ लो, मैं मेरी स्पेशल 112 गाड़ी है ना हर दूसरे तीसरे दिन गश्त के लिए, परसों मैं खुद गश्त करके गया था, तुम्हारे एक पान की थड़ी थी उसके दो चांटे देके गया था, मैंने कहा 10 बजे बाद थड़ी नहीं खुलेगी चाहे किसी की भी हो, मैंने किसी को 4-5 राउंड मैंने खुद ने लगाए और कह के गया था भैया 10 बजे बाद कोई भी खुलेगी नहीं मिलेगी मेरे साफ। ऐसा है ज्यादा कलेक्टर मत बने, पहले बात सुन दे जो मैं कह रहा हूँ, जो सुन दे, मानता हूँ तेरी दिक्कत है बहुत बड़ी दिक्कत है पुलिस, देखो साहब स्टाफ का तो आपके गणमान्य व्यक्तियों को मैं 10 बार भी कह दिया, मेरी जो आप मानोगे नहीं इस खंडेला थाने में कोई आना ही नहीं चाहता, सही बता रहा हूँ, आप बुरा मत मानना इस चीज को, ऐसा बदनाम थाना था फिर भी मैंने कोशिश कर करके एक एक आदमी जोड़ जोड़ के, आप आज की तारीख में स्ट्रेंथ देख लो 5-6 आदमी तो मैंने बढ़ा दिए, मेरी मेहनत करता हूँ पर्सनल अधिकारियों का हाथ जोड़ता हूँ जाके कि साहब मेरे को स्टाफ दो, जबकि कांवट एरिया आपका बहुत बड़ा एरिया, ये मान लो थाने से भी ज्यादा बड़ा एरिया है, ये सर्किल है ना, अब करे क्या हमारे पास 5 स्टाफ है, देखो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आप, 5 आदमी है। अब आप देखो 2 दिन से हम सुबह जा रहे हैं रात को 10-11 बजे आ रहे हैं, कभी वीआईपी ड्यूटी कभी क्या ड्यूटी, 5 आदमी मुश्किल से आपकी चौकी पे कभी कभार ही रुकते होंगे, हकीकत है ये बात प्रैक्टिकल है, एक आदमी बेचारा संबंध वारंट आपके एरिया की तामीले कराता,
तो हमारी भी मजबूरी है स्टाफ के लिए, तो हम तो अधिकारियों से निवेदन भी करें, मैंने तो आपके जनप्रतिनिधि एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट की, साहब स्टाफ बढ़वा लो आप। हम तो कह सकते हैं, हम तो अधिकारियों से कह सकते हैं, जनप्रतिनिधियों को कह सकते भाई बढ़वाओ। अब हमारे हाथ में तो है नहीं, मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं स्टाफ कहीं से लाके खड़ा कर दूं। देखो ये हकीकत बात है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आप। तो स्टाफ कम है फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं, और पिछले 5-10 दिन में आप अगर आप लोग कोई अगर यहाँ मौजूद हो इनको पूछ लेना, मैं स्पेशली गाड़ी काउंट के लिए भेजा हूँ। 2 दिन तो हम वीआईपी ड्यूटी में थे, स्पेशली गाड़ी में भेजता हूँ शाम को कि भाई तू गश्त करेगा वहां पे, स्टाफ को लेगा 2-4 घंटे जब भी टाइम है, ये सारी चीजें ये आपके पूछ लेने। रात 3-4 दिन पहले मैं खुद भी आया था, 2-3 बार तो मैं खुद करके गया हूँ यहाँ पे, अगर किसी के ध्यान में हो तो। मैं खुद आया था, चेक करके गया था सारे होटलर वहां सारे घूम के गए। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम भी ऐसी कोई चीज, क्योंकि बदनामी आपकी नहीं हमारी होती है। आज अगर ये घटना हुई ना तो ये मान लो कि आपसे ज्यादा हमारी बदनामी है, थाने की बदनामी है कि यार उस थाना क्षेत्र में ये घटना हो रहा है या इस मामले को लेकर ये चीज हो रही है। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से ऐसे न्याय करें। और रही बात इन लड़कों की, देखो ज्यादा तो बड़ाई नहीं कर सकते हम, लेकिन आपके सामने रिजल्ट होंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट होंगे। मेरे तो खाते में है नहीं, देखो बख्शिश करना, चाहे किसी का बाप का, एमएलए साहब का, कोई किसी का जानकार हो या मंत्री का जानकार हो, मेरे तो खाते में नहीं होगा। मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ, और ये दादम है, इस दादम पे कह के जा रहा हूँ, ये मान के चलना, इतना विश्वास रखना, मेरे खाता नहीं बख्शिश का। तो कोशिश हम ये करेंगे। देखो अब वो रात को घटना हो गई, वो तो हो गई, मैं भी उसको नहीं, आप भी मान रहे हो गई, वो चीज तो हो गई, लेकिन उनको पकड़ेंगे तभी कार्रवाई हो पाएगी हमारी, ये मान के चलो आप। और मैं आपको इस मंच से कह के जा रहा हूँ और आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप चाहो तो हायर अथॉरिटी ऑफिसर को मैंने बता दिया, वो भी कोर्ट में मैंने पहले बता दिया, आपको कह रहे हो ना सीओ साहब को बुला लो, बिल्कुल मैंने उनको कह दिया साहब आप भी आ जाना, तो कोर्ट में बयान करके वो भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के पास सारी बात सुनेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, लेकिन अभी वो कोर्ट में गए हैं, वो भी आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए, आपको मैं फिर कह रहा हूं कि यहां से विश्वास दिला रहा हूं कि हमारी तरफ से कतई कोताही नहीं बरती जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दूं। और अगर आप में से यहां से 15-20 लोग थे, परसों सीएलजी मीटिंग ली थी 3 दिन पहले, आप उनको पूछ लो, ईमानदारी से पूछ लो मेरे क्या वर्ड थे, ये पूछ लो मेरे, मैं आपको कुछ बोलूंगा आप सोचोगे साहब अपनी बात रखने के लिए कह रहे हैं, पूछ लो मैं खुद क्या कह के कहते हैं लोगों को कि भाई देखो पुलिस है लिमिट संसाधन, आप लोग सब जागरूक आदमी, आप कोई भी ऐसी घटना हो आप किसी को मत बताओ, मुझे फोन कर दो कैसे साहब आपके एरिया में ये चीज हो रही, मैंने अच्छी तरह कह के गया था। देखो आदमी हर जगह मैं नहीं पहुंच सकता, हर जगह कॉन्स्टेबल आपके एरिया में सबको पता है कि अपने एरिया में क्या हो रही है, ये मान के चलिए, आपसे कोई छिपी हुई चीज नहीं है कि ये सोचोगी आपसे कोई छिप रहेगी। और कैपे की स्थिति तो मैं आपको, कभी कोई मेरे से गणमान्य व्यक्ति मिलेगा तो मैं साफ साफ बता दूंगा कैपे की क्या स्थिति, आप मेरे को नहीं बोलोगे फिर, मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, कैपे क्यों खुल रहा है, किसी कारण से खुल रहा है और फिर भी कोशिश से करेंगे। और मैं आज कह रहा हूं आज के बाद में आपके कैप ऐसे नहीं चलेंगे, कोई भी होता है कोई नहीं चलेगा, ये मैं कह के जा रहा हूं आपको, कितना विश्वास दे रहा हूं। अगर फिर भी कोई गलती से कोई हमारे से मिसप्लेस कोई चीज हो तो आप में से कोई भी फोन करके बता देना साहब ये चीज है, ये कैप है और इसमें ये चीज हो रही है, आप ये बता देना। तो मेरा तो निवेदन है कि देखो हम तो आप लोगों के साथ है, हमारी कोशिश रहे कि ज्यादा से ज्यादा बेस्ट से बेस्ट कार्य करने के लिए, और फिर भी आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं हायर ऑफिसर को कह देता हूं, मैं देखो आपके ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात को कोई दरकिनार करूंगा, लेकिन सीओ साहब अभी है नहीं, वो कोर्ट में गए, चाहो तो आप में से कोई भी सज्जन फोन से बात कर सकता सीओ साहब से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डेड लाइन तो मैं आप कह दूर फिर मैं पास, देखो सही आप, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता फालतू में, आप कह दो साहब 2 घंटे बुलाओ, 2 घंटे मैंने लाया, फिर आप सोचो साहब आप तो किया ही नहीं, अभी मेरा जाब्ता ड्यूटी में गया अभी तक आया नहीं है, कल का जाब्ता अब वो आएगा, हम टीम बना के बेस्ट काम करेंगे। मैं तो
टाइम तो फिर नहीं दे सकता, कल मैं फिर मेरी बात से झूठा पड़ जाऊँ, कोई मतलब नहीं आप लोगों को झूठा पड़ जाऊँ। फिर आप लोगों का साहब आपने 2 घंटे का दिया, 3 घंटे का टाइम दिया, कोई सेंस नहीं उस चीज। देखो आप भी जानते हो कोई भी काम अगर किसी ने घटना कर दी, ये तो एक नहीं घर पे मिल जाएगा अपने, ये तो मान के चल रहे हो, आप सब जानते हो इस चीज को, नहीं मिलेगा उसमें प्रयास से, कोई मिल जाए तो किस्मत की बात नहीं, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन हम टीम बना के बेस्ट से बेस्ट काम करेंगे और जल्दी से जल्दी अरेस्ट करेंगे, ये मेरी तरफ से आपको आश्वासन दे रहा हूँ। मैं आप इस चीज की मैं कह रहा हूँ, आपको फिर कह रहा हूँ, आपको ऐसा लगे तो मेरे नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे फोन कर लेना कि साहब देखो फिर ये चीज, इतनी बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या कर। दुर्गान जी